गाइस आज का जो टॉपिक है ये पूरे गेट में पूरे सिलेबस में आप बोल सकते हो कि सबसे ज्यादा मार्क देने वाला टॉपिक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आज हम पढ़ने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी आपके एप्टीट्यूड में भी कवर होता है और फॉर्मूला बेस्ड मैथमेटिकल में स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी जो है वो मैथ्स में भी कवर होता है। ओके, सो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स कैन गिव यू 3 to 4 marks इन अ सिंगल गेट पेपर, राइट? क्योंकि मैथ्स में भी उसका एक क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं और एप्टीट्यूड में भी उसका एक कम से कम एक क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, ठीक है? तो उसकी वजह से व्हाट हैपेंस इज, एक चैप्टर कभी कभी आप सोचो कि जो आपके छोटे सब्जेक्ट है आपकी ब्रांच में, वो पूरे सब्जेक्ट में से 4 या 5 marks आते हैं, जबकि यहाँ पे एक चैप्टर आपको 3 से 4 marks देकर जा रहा है, ठीक है? तो इसको हम कभी अवॉइड नहीं कर सकते। एंड दिस इज वेरी इजी। ज्यादातर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को हमको प्रोबेबिलिटी पसंद नहीं था। ओके, स्टैटिस्टिक्स हमें अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए हम लोग इंजीनियरिंग में है ना, राइट? व्हाई डिड वी चूज कॉमर्स? बिकॉज ऐसी चीज, ये चीजें हमको अच्छी नहीं लगती थी, मे बी। ओके, बट स्टिल जो गेट लेवल पे हमको जो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स चाहिए, दैट इज वेरी बेसिक, वेरी इजी, और सिर्फ सिंपल लॉजिक से आप बहुत सारे क्वेश्चन उसमें सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? सो लेट अस स्टार्ट विथ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में गाइस सबसे बेसिक, सबसे पहला टॉपिक होगा हमारे लिए परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ओके, सबसे पहला सबसे बेसिक टॉपिक हमारे लिए है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो इसमें गाइस आई विल डिक्टेट अ फ्यू थिंग्स, आपको लिखना पड़ेगा, तो आपकी जो नोट है उसको साथ में ओपन रखें, आपको लिखना है जो मैं लिखवाऊंगा आपको, ठीक है? परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, तो अगर हम इसकी बात करें गाइस, तो परम्यूटेशंस का मतलब होता है अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। ओके, तो अरेंजमेंट और सिलेक्शन में क्या फर्क है? अरेंजमेंट मतलब सीक्वेंस जो है वो मैटर करेगा, सिलेक्शन मतलब सीक्वेंस इज नॉट गोइंग टू मैटर। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो कि कोई एक बैट्समैन है, एक क्रिकेटर है, तो बिफोर द मैच उसकी पहली कंसर्न क्या होगी? वेदर आई एम इन द प्लेइंग 11 और नॉट, मैं टीम के अंदर हूं या नहीं, तो वो सिलेक्शन हो गया, ठीक है? उसमें वो मैटर नहीं करता है कि उसका नाम फर्स्ट लिया गया या उसका नाम 10 नंबर पे लिया गया, ठीक है? वो टीम के अंदर है कि नहीं वो मैटर करता है। सो दैट इज सिलेक्शन। वंस सिलेक्टेड, जब इंडिया की बैटिंग आ गई, तो क्या मैटर करेगा कि अब वो कौन से सीक्वेंस में है, कहां पे, कौन से नंबर पे वो बैटिंग करने वाला है। ओके, तो दैट इज बैटिंग ऑर्डर इज आवर अरेंजमेंट। समझ में आ रही है बात? सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ रहा है? सिलेक्शन मतलब सीक्वेंस डज नॉट मैटर, अरेंजमेंट में सीक्वेंस मैटर करता है। जैसे कि मैं बोल दूं कि 1, 2 एंड 3, 3 digits आर देयर। अब ये 3 digit को मैं 1, 2, 3 बोल के सिलेक्ट करूं, 2, 3, 1, 3, 1, 2, कोई भी सीक्वेंस में सिलेक्ट करूं, इफ आई एम सिलेक्टिंग दिस 3 digits, तो सीक्वेंस मैटर नहीं करता है, तीनों के तीनों डिजिट सिलेक्ट हो गए, दैट्स इट। बट अगर इनमें से मैं एक नंबर फॉर्म करूं, तो फिर ये अलग अलग चीजें हो जाएगी। ऑर्डर चेंज करने पे जो डिफरेंस आया, ऑल दीज आर डिफरेंट नंबर्स, राइट? तो 3 digit में से हमको 6 नंबर मिलते हैं, बट अगर ये 3 digit का ग्रुप बनाना है, तो देयर इज ओनली वन वे, उसमें सीक्वेंस मैटर नहीं करता है, राइट? सो आई नीड यू गाइज टू नोट डाउन, परम्यूटेशंस में लिखेंगे, परम्यूटेशंस में लिखेंगे अरेंजमेंट ऑफ आर आउट ऑफ एन एलिमेंट्स, अरेंजमेंट ऑफ आर आउट ऑफ एन एलिमेंट्स, अरेंजमेंट ऑफ आर आउट ऑफ एन एलिमेंट्स, नोट दैट डाउन। और इसके नीचे परम्यूटेशन का फॉर्मूला लिखेंगे। अरेंजमेंट ऑफ आर आउट ऑफ एन एलिमेंट्स एंड एनपीआर का फॉर्मूला। ओके, उसके नीचे एक नोट में लिखना है, एक नोट करके, सीक्वेंस मैटर्स, सीक्वेंस मैटर्स,
ओके नाउ सेकेंड थिंग कॉम्बिनेशंस कॉम्बिनेशंस उसमें लिखो सिलेक्शन ऑफ आर आउट ऑफ एन एलिमेंट्स सिलेक्शन ऑफ आर आउट ऑफ एन एलिमेंट्स इसके नीचे नोट करके लिखेंगे सीक्वेंस डज नॉट मैटर सीक्वेंस डज नॉट मैटर सीक्वेंस डज नॉट मैटर अगर गाइस मैं ऐसा बोल दूं कि टोटल 10 डिजिट्स जो है हमारे 0 से लेके 9 तक वी हैव गॉट 10 डिजिट्स उसमें से आई नीड टू सिलेक्ट एनी 3 डिजिट्स देन आई विल हैव 10C3 विच विल बी दिस मच ओके अगर मैं बोल दूं कि मुझे ये 10 डिजिट में से 3 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं तो जब मैं नंबर फॉर्म कर रहा हूं तो सीक्वेंस मैटर करेगा अभी हमने देखा राइट तो दैट विल बी 10P3 ओके तो मुझे बताओ विच विल बी अ हायर बिगर नंबर परम्यूटेशन के कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन विल बी द बिगर नंबर राइट क्योंकि यहां पे 3 फैक्टोरियल से भी एक्स्ट्रा डिवाइड हो रहा है वो राइट सो राइट डाउन फॉर द सेम केस नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू Number of permutations is always greater or equal to number of combinations. Guys, ये जो मैं लिखवा रहा हूँ ना ये सब these are very important things. Books में आपको directly ऐसे नहीं मिलेंगे बहुत important observations और बहुत अच्छे tricks में आपको लिखवाने वाला हूँ आज So note this down, okay? Number of permutations is always greater or equal to number of combinations for same case. Before moving further, let us discuss the concept of factorial. वैसे तो हम सबको पता ही है n factorial मतलब क्या? n into n minus 1 into n minus 2 up to 1. Right? मतलब अगर 7 factorial है तो that is 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. ठीक है? That is 7 factorial. We all know this, right? तो अब मुझे ये बताओ. अगर मैं लिखूं 0 फैक्टोरियल तो उसकी वैल्यू क्या होगी 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 1 राइट बुक में तो 1 है ये हमको पता है ऐसा क्यों होता है ये काफी कम लोगों को पता होता है लॉजिकली नो अरेंजमेंट इज ऑल्सो वन ऑप्शन नो अरेंजमेंट इज ऑल्सो वन केस राइट अज्यूम करो कि आप 3 दोस्तों ने कहीं पे मिलना डिसाइड किया सो व्हाट आर द चांसेस 3 के 3 दोस्त वहां पे आएंगे 2 आएंगे 1 आएगा या फिर 0 नंबर ऑफ पीपल विल बी देयर कोई नहीं जाएगा ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है ना राइट सो नो एलिमेंट या नो अरेंजमेंट इज ऑल्सो वन पॉसिबिलिटी दैट्स वाई 0 फैक्टोरियल जो है वो 1 होता है ओके अगर मैथमेटिकली देखें कि नहीं हमको तो प्रूफ चाहिए तो जस्ट फॉर फन वी ऑल्सो हैव दिस कि 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 नाउ n फैक्टोरियल इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल तो यहां से मुझे ये भी मिलेगा कि 0 फैक्टोरियल इज ऑल्सो 1 समझ में आ रहा है दिस इज जस्ट फॉर फन मैथमेटिकली भी ये हम लोग कर सकते हैं
ऑलराइट, हमको सिर्फ ये चाहिए कि जीरो फैक्टर वन होता है और लॉजिकली क्यों वन होता है ये हमको पता होना चाहिए। ओके नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडा अकॉर्डिंग टू मी। ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी डिस्कस करने वाले हैं, सो प्लीज पे अटेंशन। आई हैव गॉट टू टास्क टू डू। ओके, टास्क ए है कि मुझे अहमदाबाद से सूरत जाना है, सूरत। ओके, और टास्क बी है कि मुझे सूरत से मुंबई जाना है। ठीक है, आई हैव गॉट दीज टू टास्क। अहमदाबाद से सूरत जाने के लिए लेट अस अज्यूम कि मेरे पास चार ऑप्शन है, बस, कार, ट्रेन एंड फ्लाइट। ओके, चार ऑप्शन है। और सूरत से मुंबई जाने के लिए मेरे पास सपोज करो कि तीन ऑप्शन है, बस, कार एंड ट्रेन। ओके, लेट अस से फ्लाइट इज नॉट अवेलेबल, ये तीन ऑप्शन है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना गाइस, पॉसिबल नंबर ऑफ वेज टू परफॉर्म टास्क वन और टास्क टू, और पॉसिबल नंबर ऑफ वेज टू परफॉर्म टास्क वन और टास्क टू, इंग्लिश वाला और टास्क ए या फिर टास्क बी अगर मुझे करना है तो पॉसिबल नंबर ऑफ वेज विल बी सेवन। या तो ये चार में से एक चीज मैं करूंगा या फिर ये तीन में से एक चीज करूंगा, राइट। सो आउट ऑफ सेवन पॉसिबिलिटीज आई विल बी डूइंग समथिंग, ये सात में से एक चीज मैं एग्जीक्यूट करूंगा। ठीक है, और जबकि अगर मैं ऐसा बोलूं कि आई वॉन्ट टू डू टास्क ए एंड टास्क बी, आई वॉन्ट टू डू टास्क ए एंड टास्क बी, देन पॉसिबल नंबर ऑफ वेज आर 12। कैसे 12? टास्क ए मैंने बस में कवर किया और फिर टास्क बी भी बस में किया, बस एंड बस, बस कार, बस ट्रेन, तीन ऑप्शन। वैसे कार बस, कार कार, कार ट्रेन, तीन, थ्री मोर। वैसे ट्रेन के साथ ये थी, फ्लाइट के साथ ये थी, कुल मिला के 12 पॉसिबल वेज विल बी देयर टू डू टास्क ए एंड टास्क बी। अहमदाबाद से सूरत एंड सूरत से मुंबई जाने के लिए मेरे पास पॉसिबल 12 रास्ते हो। तो इसका स्टेटमेंट क्या बनेगा, आपको लिखना है प्रोडक्ट रूल एंड सम रूल, प्रोडक्ट रूल एंड सम रूल। प्लीज राइट डाउन प्रोडक्ट रूल एंड सम रूल। व्हाट इज देयर इन दिस स्टेटमेंट लिखिए, इफ टास्क ए कैन बी डन इन पी नंबर ऑफ वेज, if task A can be done in p number of ways and task B can be done in q number of ways, if task A can be done in p number of ways and task B can be done in q number of ways, then the possible number of ways, the possible number of ways of doing task A and task B, possible number of ways of doing task A and task B equals to P into Q, P multiplied by Q, P multiplied by Q. उसके नीचे लिखो
नंबर ऑफ फेज ऑफ डूइंग टास्क ए और टास्क बी, ए और बी टास्क ए और टास्क बी इक्वल्स टू पी प्लस क्यू। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, अपने बुक में हाईलाइट करके लिख दो और एंड के नीचे अंडरलाइन कर दो। ठीक है, जहां पे एंड आएगा क्वेश्चन में बस आपको इतना याद रखना है, क्वेश्चन में जहां पे एंड आएगा वहां पे मल्टीप्लिकेशन, और जहां पे और आएगा इंग्लिश वाला और वहां पे एडिशन होगा। तो अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, अलग अलग केसेस। ठीक है, एग्जांपल्स के साथ इसको डिस्कस करेंगे, एग्जांपल के साथ इसको डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो राइट डाउन थ्योरम्स ऑफ परम्यूटेशंस, थियरम्स ऑफ परम्यूटेशंस, प्लीज राइट डाउन थियरम्स ऑफ परम्यूटेशंस। उसमें थियरम वन, अरेंजमेंट ऑफ एन एलिमेंट्स, थियरम वन, ये थियरम मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे उसके रास्ते हैं। ठीक है, थियरम वन अरेंजमेंट ऑफ एन एलिमेंट्स। अब अगर एन एलिमेंट्स है तो क्या हो गया, एन पी एन विच इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एन फैक्टोरियल, दैट इज जीरो फैक्टोरियल, सो जीरो फैक्टोरियल इज वन। सो अगर एन एलिमेंट्स की मुझे अरेंजमेंट करना है देन पॉसिबल वेज आर एन फैक्टोरियल। ठीक है, नोट दिस डाउन, अगर n एलिमेंट्स का मुझे अरेंजमेंट करना है पॉसिबल वेज विल बी n फैक्टोरियल। ठीक है, थियरम टू अरेंजमेंट ऑफ r out of n elements, arrangement of r out of n elements, okay, इसके अंदर we have already written this npr, npr equation number one, इसको हम करेंगे ये theorem के लिए। How many three-digit numbers can be formed using the digits 1, 2, 3, 6, 7, 8? How many three-digit numbers can be formed using the digits 1, 2, 3, 6, 7, 8? So, यहाँ पे n equals to 6 and r equals to 3 हो गया। ओके गाइस, ये छह डिजिट में से कोई भी तीन डिजिट को अरेंज करना है तो दैट इज 6p3। ट्राई टू बी एज मच कैलकुलेटर इंडिपेंडेंट एज पॉसिबल, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल दैट विल बी 3 फैक्टोरियल। सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर दैट इज 120 पॉसिबल नंबर्स, 120 नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड सक्सेस। सक्सेस जो वर्ड है उसके सात लेटर यूज करके सात वर्ड, सात लेटर से कितने वर्ड बन सकते हैं, दैट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इसमें गाइस
अगर हम जनरली देखें तो 7 लेटर्स आर देयर, तो 7 फैक्टोरियल आंसर होना चाहिए, राइट? बट 7 फैक्टोरियल आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये 3 बार एस और 2 बार सी रिपीट हो रहा है। तो सोचो, अगर 1, 2, 3 ये 3 डिजिट थे तो 6 नंबर बन सकते थे, लेकिन अगर मैं बोलूं 1, 2 एंड 2 ऐसे डिजिट है, तो फिर इन दोनों को इंटरचेंज करने पर नंबर सेम रहता है ना। सो अब सिर्फ 2 ही नंबर, पर 3 ही नंबर मुझे मिलेंगे इंस्टेड ऑफ 6। समझ में आ रहा है? इफ द एलिमेंट्स आर बीइंग रिपीटेड, इफ द एलिमेंट्स आर बीइंग रिपीटेड, तो टोटल पॉसिबिलिटीज कम हो जाती है, राइट? तो कितनी कम होगी? एस 3 बार रिपीट हो रहा है और सी जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो टोटल पॉसिबल वर्ड्स विल बी दिस मैनी। ओके, जो एलिमेंट जितनी बार रिपीट हो रहा है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ता है, उतने केसेस कट हो जाते हैं हमारे, ठीक है? तो जनरलाइज अगर मैं लिखना चाहूं तो n फैक्टोरियल अपॉन, अज्यूम करो कि कोई एलिमेंट p टाइम्स रिपीट हो रहा है, कोई एलिमेंट q टाइम्स और कोई एलिमेंट r टाइम्स रिपीट हो रहा है, सो दिस विल बी द आंसर। ओके, पर्सन वॉन्ट्स टू इनवाइट 8 फ्रेंड्स, इन हाउ मेनी वेज can he send the invitation if he has 4 servants to deliver the card? आठ invitation भेजने हैं उनको और उनके पास 4 बंदे ये काम कर सकते हैं, तो सोचो what are the possibilities, कैसे करेंगे इसको calculate? Try to think, try to find out a way. आठ इनविटेशन कार्ड है हमारे पास, ओके, वी हैव गॉट 8 इनविटेशन कार्ड्स। अब इसमें क्या होगा, जो 4 सर्वेंट है वो कैसे काम कर सकते हैं? सारे 8 के 8 इनविटेशन कार्ड को एक ही सर्वेंट ले जाए, बाकी के 3 आराम करें, 2 कार्ड एक सर्वेंट ने लिए, 2 कार्ड दूसरे ने लिए, 4 कार्ड तीसरे ने लिए, चौथे ने कुछ नहीं किया, पहले सर्वेंट ने कुछ नहीं किया, दूसरे ने 3 कार्ड लिए, चौथे ने 2 कार्ड लिए, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल, राइट? तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो इसके लिए क्या होता है, देखो इनविटेशन कार्ड नंबर 1, कोई रूल नहीं, कोई कंडीशन नहीं है, तो कार्ड नंबर 1 जो है वो 4 में से कोई भी सर्वेंट लेके जा सकता है, ठीक है? एंड कार्ड नंबर 2 जो है वो भी 4 में से कोई भी सर्वेंट लेके जा सकता है, कार्ड नंबर 3 भी कोई भी लेके जा सकता है, वैसे so NP1 will be n NP1 will be n only, right? ये क्या होगा, 4 factorial upon 3 factorial, तो answer will be 4, so that is 4 into 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 4 raised to 8, ये answer मिला, 4 raised to 8, that is the correct answer। तो ये मैंने लॉजिक समझाने के लिए किया, वरना गेट में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत इजीली कर सकते हो। आपको क्या सोचना है, व्हाट इज द रिपीटिंग एलिमेंट एंड व्हाट इज द नॉन रिपीटिंग एलिमेंट, मतलब आपको खुद को एक क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, क्या एक सर्वेंट एक से ज्यादा कार्ड्स लेके जा सकता है, क्या एक सर्वेंट एक से ज्यादा कार्ड्स लेके जा सकता है, यस, देन सर्वेंट इज द रिपीटिंग एलिमेंट, सर्वेंट इज द रिपीटिंग एलिमेंट, ओके। क्या एक कार्ड एक से ज्यादा सर्वेंट लेके जा सकते हैं, नो, एक बार वो कार्ड डिलीवर हो गया तो वही इन्विटेशन कोई दूसरा कैसे लेके जाएगा, राइट? सो इन्विटेशन इज द नॉन रिपीटिंग एलिमेंट, सो नंबर ऑफ पॉसिबल वेज विल बी रिपीटिंग एलिमेंट रेज टू नॉन रिपीटिंग एलिमेंट, 4 raised to 8, ओके। तो ये थ्योरम का नाम है रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग एलिमेंट्स। समझ में आ रहा है सबको, एवरीबॉडी?
ऐसे कई सारे क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको खुद को ये पूछना पड़ेगा कि ये चीज एक से ज्यादा बार हो सकती है या ये वाली चीज एक से ज्यादा बार कर सकते हैं। ओके, सो उस लॉजिक से यहाँ पे आंसर आएगा 4:8। हमारे पास 4 डिजिट है और 5 डिजिट के नंबर्स फॉर्म करने हैं उसमें, रिपीटेशन इज अलाउड। ओके, सो दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं, पांच अलग अलग प्लेसेस है और 4 डिजिट में से इधर कोई भी आ सकता है, तो 4P1 और रिपीटेशन इज अलाउड, तो वंस अगेन 4P1, वंस अगेन 4P1, सेम टू सेम डिजिट फिर से डाल सकते हैं, तो हर बार हमारे पास 4 ऑप्शन रहेंगे, राइट? सो दिस इज 4:5 व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। ओके, एवरीवन इज गेटिंग दिस? 21. In how many ways 6 letters can be posted in 3 nearby letter boxes? तो एक लेटर एक से ज्यादा लेटर बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं? नहीं। तो लेटर इज द नॉन रिपीटिंग एलिमेंट। एक लेटर बॉक्स में एक से ज्यादा लेटर पोस्ट कर सकते हैं? यस। तो लेटर बॉक्स इज द रिपीटिंग एलिमेंट। समझ में आया? तो देन इट विल बी 3:6, रिपीटिंग रेस टू नॉन रिपीटिंग एलिमेंट। इन हाउ मेनी वेज 7 बॉयज एंड 4 गर्ल्स कैन सिट इन अ रो सच दैट नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। इन हाउ मेनी वेज 7 बॉयज एंड 4 गर्ल्स कैन सिट टुगेदर सच इन अ रो सच दैट नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर, 7 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे करेंगे गाइस? जिसके लिए कंडीशन नहीं दी है पहले उनको बिठाएंगे। हमें कंडीशन दी गई है गर्ल्स के लिए कि नो 2 गर्ल्स शुड सिट टुगेदर, राइट? ये कंडीशन है, तो हम पहले 7 बॉयज को बिठाएंगे। तो 7 बॉयज को अरेंज करने के पॉसिबल वेज कितने होते हैं? 7 फैक्टोरियल, क्योंकि सीक्वेंस मैटर करेगा। ये सब सेम टू सेम आइडेंटिकल लोग थोड़ी है, ये सब अलग अलग पर्सन है ना, राइट? सो सीक्वेंस मैटर करेगा, इसको इधर रखे, इसको इधर रखे, सो दैट इज परम्यूटेशन। तो 7 लोग 7 सीट्स, तो 7 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब गर्ल्स के लिए कितनी सीटें बची? वी विल हैव 8 वैकेंट सीट्स फॉर गर्ल्स, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एक और कम से कम 0 गर्ल्स को बीच में बैठना है, 2 गर्ल्स साथ में नहीं बैठ सकती। समझ में आ रहा है? अगर 7 बॉयज को बिठाया और नो 2 गर्ल्स कैन सिट टुगेदर, तो हमारे पास 8 सीट्स है गर्ल्स को बिठाने के लिए, और उसमें से हमें 4 गर्ल्स को अरेंज करना है 8 सीटों में। सो 7 बॉयज का सीटिंग अरेंजमेंट, एंड एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन, अभी हमने देखा 7 बॉयज का सीटिंग अरेंजमेंट एंड 8 सीट्स में 4 गर्ल्स का अरेंजमेंट। ठीक है, सो दिस विल बी द आंसर, 7 फैक्टोरियल इनटू 8P4। लास्ट वन इन परम्यूटेशंस इज थ्योरम 6, सर्क्यूलर परम्यूटेशंस। सर्क्यूलर परम्यूटेशंस, ओके। सर्क्यूलर अरेंजमेंट में क्या होगा गाइस? अगर हम एन एलिमेंट्स को सर्क्यूलरली अरेंज करना चाहे तो पॉसिबल वेज विल बी n-1 फैक्टोरियल। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होगा बिकॉज देखो, अगर मेरे पास 6 डिजिट है तो ये अलग अलग नंबर हुए, अगर रो में अरेंज किया तो ये सारे अलग अलग केसेस है, लेकिन अगर मैंने सर्कल में अरेंज किया
तो ऑल दीज आर सेम थिंग्स, ऑल दीज आर सेम अरेंजमेंट्स. क्यों? क्योंकि सर्कल में कोई फर्स्ट या लास्ट नहीं होता है, कहीं से शुरू किया और कहीं पे खत्म किया ऐसा नहीं होता है. सो दीज एक सीक्वेंस की अरेंजमेंट सेम गिनी जाएगी. तो ऐसे हर एक सीक्वेंस के एक एक केस कट होते जाएंगे. सो फॉर एन एन एलिमेंट्स वी विल हैव एन माइनस वन फैक्टोरियल पॉसिबिलिटीज इंस्टेड ऑफ एन फैक्टोरियल. जो नॉर्मल रो में था थ्योरम वन में, नॉर्मली हमको एन फैक्टोरियल मिल रहा था, उसमें से हर एक टाइप का एक एक केस जो है वो कट होता जाएगा. सो वी विल हैव एन माइनस वन पॉसिबिलिटी, एन माइनस वन फैक्टोरियल पॉसिबिलिटीज. समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है ये. अगर n एलिमेंट्स को सर्कल में अरेंज कर रहे हैं तो n माइनस वन फैक्टोरियल पॉसिबल वेज विल बी देयर. ओके, तो बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन. इन हाउ मेनी वेज सेवन डेलीगेट्स can be arranged around a circular table. How many ways? Batao. Six factorial, right? So guys, ye ho gaye theorems of permutations. थियरम्स ऑफ कॉम्बिनेशन. इसमें तीन ही है, बहुत ही सिंपल तीन थियरम्स है. फर्स्ट वन, सबसे सिंपल वाला, सिलेक्शन ऑफ आर आउट ऑफ एन एलिमेंट्स. सिलेक्शन, अरेंजमेंट नहीं है, सिलेक्शन ऑफ आर आउट ऑफ एन एलिमेंट्स. सिलेक्शन ऑफ आर आउट ऑफ एन एलिमेंट्स. इसमें हमने ऑलरेडी देख लिया क्या होगा, एनसीआर. दिस इज एनसीआर. तो सर परम्यूटेशन के जैसे इसमें एनसीएन क्यों नहीं किया, सिलेक्टिंग एन आउट ऑफ एन? क्योंकि भैया इसका एक ही तरीका होता है. अगर आपके पास पांच प्लेयर है और पांच प्लेयर की टीम बनानी, तो पांचों को सिलेक्ट करना है, एक ही तरीका हो. समझ में आ रहा है बात? तो एनसीएन इक्वल्स टू ऑलवेज वन, आप फॉर्मूला में डाल के भी देख सकते हो, दिस विल बी वन. तो इसका कोई अलग थियरम नहीं लिखेंगे हम लोग, राइट? We are talking about NCR. Question number 6. Out of 8 students, in how many ways a committee of 3 can be made? Total 8 students. So n equal to 8. Committee banani hai, matlab selection karna hai. क्योंकि पहले किसको लिया, बाद में किसको लिया, मैटर नहीं करता. तीन लोगों की कमेटी में आया कि नहीं आया, उतना ही मैटर करता है. तो दिस इज सिलेक्शन, सीक्वेंस डज नॉट मैटर. एट सी थ्री का आंसर कैलकुलेट करके बताओ. एट सी थ्री 56 इज द आंसर. एवरीवन गॉट दिस? नाउ थियरम टू इज इंटरेस्टिंग. थियरम टू, डिवीजन इंटू ग्रुप्स. थियरम टू, डिवीजन इंटू ग्रुप्स. इसमें क्या होता है, अज्यूम करो एक क्लासरूम में लेट अस से देयर आर 60 स्टूडेंट्स. ओके, टोटल 60 स्टूडेंट. अब उस उन लोगों को इलेक्टिव सब्जेक्ट लेना है. तो म्यूजिक में देयर आर 20 सीट्स अवेलेबल, स्पोर्ट्स में देयर आर 30 सीट्स अवेलेबल, एंड आर्ट्स में देयर आर 10 सीट्स अवेलेबल. ओके, म्यूजिक, स्पोर्ट्स एंड आर्ट्स, ठीक है. तो व्हाट आर द पॉसिबल वेज जिससे सिलेक्शन हो सकता है, तो कैसे निकालेंगे? 60 में से 20 लोगों ने म्यूजिक लिया, एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन. फिर एक बार हम लोग बाकी के जो 40 बचे, 40 में से 30 लोगों ने स्पोर्ट्स लिया, एंड
दस लोगों ने आर्ट्स लिया, दिस इज हाउ वी कैन डिवाइड। अब इसका सीक्वेंस चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, फाइनल आंसर सेम ही रहता है। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, 60 में से 10 लोगों ने आर्ट लिया एंड बाकी के 50 में से 30 स्टूडेंट्स ने स्पोर्ट्स लिया और जो रिमेनिंग 20 है उनमें से 20 स्टूडेंट्स ने म्यूजिक लिया। आप इसका करो, कोई भी सीक्वेंस चेंज करके करो, यू विल गेट द सेम मल्टीप्लीकेशन, फाइनल आंसर आपको सेम मिलेगा। ठीक है, तो इसको जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसमें से m एलिमेंट्स को पहले ग्रुप को सिलेक्ट किया एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स में से दूसरे ग्रुप को सिलेक्ट किया एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स में से तीसरे ग्रुप को सिलेक्ट किया। समझ में आ रहा है? दिस इज हाउ वी कैन राइट इट इन जनरलाइज फॉर्म। Everyone, note this down, division into groups. Then theorem 3. जैसे परम्यूटेशन में थियरम 4 में मैंने लिखा था ना वेरी इंपॉर्टेंट, वैसे इसमें थियरम 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थियरम 3, बाइनरी सिलेक्शंस। थियरम 3, बाइनरी सिलेक्शन मतलब ऐसे केसेस जिसमें ओनली टू आउटकम्स आर पॉसिबल, सिर्फ दो आउटकम हो सकते हैं, जैसे कि पास या फेल, गो स्टॉप, सिलेक्टेड रिजेक्टेड, हेड्स या टेल्स, ऐसे जो आउटकम है जिसमें या तो ये होगा या तो ये होगा, दैट इज नोन एज बाइनरी सिलेक्शन। ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कॉइन। तो अगर मैं एक कॉइन को टॉस करूं एन इक्वल्स टू 1, तो व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स, हेड्स या टेल्स, तो पॉसिबल आउटकम 2। अगर मैं दो कॉइन्स को टॉस करूं, देन व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स, दोनों हेड्स, हेड्स एंड टेल्स, टेल्स एंड हेड्स, दोनों टेल्स, तो पॉसिबल आउटकम 4। अगर मैं तीन टॉस करूं, तो पॉसिबल आउटकम्स विल बी 8। Possible 8 outcomes will be there, है ना? So what is this? अगर binary selection में मेरे number of elements n है, तो number of outcomes will be 2^n. Number of possible ways will be 2^n. समझ में आ रहा है सबको? अगर मैं n elements के binary selection की बात कर रहा हूँ, then I will have 2^n possible ways. Question number 7. In an exam, a candidate has to pass in all 6 subjects. In how many ways can he fail? In an exam, a candidate has to pass in all 6 subjects. In how many ways can he fail? करके बताओ इसको। टोटल 6 सब्जेक्ट्स है और क्या बोला है कि 6 सारे के सारे में पास है तभी उसको पास गिना जाएगा। मैं रैंडमली कुछ अलग कॉम्बिनेशन देख रहा हूं, अगर किसी एक में भी फेल है तो उसको फेल गिना जाएगा, एनीथिंग लाइक दिस। ओके, तो टोटल 2^6 6 सब्जेक्ट्स है ना, तो 2^6 टोटल आउटकम, उसमें से एक ही ऐसा है
जिसमें ही विल बी कंसिडर्ड पास. सो 2^-1, दीज आर द पॉसिबल वेज टू फेल. ये आपको खुद ट्राई करने हैं, इधर जिधर आपको आंसर नहीं मिलेगा मैं तो सॉल्व करने वाला हूँ बोर्ड पे, बट यू कैन स्टार्ट ट्राइंग क्वेश्चन नंबर 8 to 18. ओके, अब तक हमने जो किया वो बेसिक थ्योरम्स थे और अकॉर्डिंग टू द थ्योरम क्वेश्चन थे. अब थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट आएगा, अलग अलग चीजें ऐड होगी, तो आप अपना लॉजिक कॉमन सेंस यूज करके इसको ट्राई कर सकते हैं. तो स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8. ऑलवेज रीड द क्वेश्चन ट्वाइस और ट्राई करो दोस्तों समझने का कि क्या पूछा है एग्जैक्टली और कौन सा थ्योरम लगेगा या उसमें क्या चेंजेस है. कॉमन सेंस के ऊपर बेस्ड है सब कुछ, कोई स्पेशल स्किल नहीं चाहिए, बस प्रॉपर थिंकिंग होना चाहिए मेरा. तो स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8. How many four-digit numbers greater than 5000 can be formed? Okay, तो हमारे पास टोटल 5 डिजिट है. अगर मुझे 5000 से बड़ा नंबर चाहिए तो ये फर्स्ट प्लेस में 5, 6 या 7 में से ही एक रखना पड़ेगा. ये नंबर 5000 से बड़ा चाहिए तो आउट ऑफ दीज 3 ओनली समथिंग कैन कम ओवर हियर. सो यहां पे हो जाएगा अरेंजिंग वन नंबर out of these 3 digits, arranging one digit out of these 3 digits and बाकी के जो 3 है वो place के लिए अब मेरे पास 5 में से यहां से एक यहां पे use हो गया तो now I have got 4 digits. तो वो 4 को बाकी के 3 place में arrange करना. समझ में आ रहा है? I need a number more than 5000 तो 2 या 3 यहां पे नहीं आ सकता. So out of these 3 one number will be here एंड जो अब टोटल 5 में से 4 डिजिट बचे उसमें से कोई भी 3 डिजिट को अरेंज करना. एवरीबॉडी इज गेटिंग दिस? इसको कैलकुलेट करेंगे आपको आंसर 72 मिल रहा है. ओके गुड, गो फॉर क्वेश्चन नंबर 9. आपको अगर आंसर मिल जाए आप आगे के क्वेश्चंस कर सकते हो. ठीक है, अप टू 18 आपको करने ही है आज के लेक्चर में. क्वेश्चन नंबर 9 ये तो अभी डिस्कस किया था, रिपीटिंग रेट्स और नॉन रिपीटिंग. क्वेश्चन नंबर 9 में टोटल 5 वैकेंसीज है और सब में 4 4 पॉसिबिलिटीज है बिकॉज रिपीटेशन इज अलाउड.
सो 4 raised to 5 विल बी द आंसर, राइट? ये हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी. क्वेश्चन नंबर 10 इज वेरी इंटरेस्टिंग. इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड डायग्राम बी अरेंज्ड टेकन ऑल टुगेदर इन सच अ वे दैट ऑल द वावेल्स आर ऑलवेज टुगेदर. वावेल्स मतलब ए आई ओ यू जो है, जितने भी है ये वर्ड में वो सब साथ में रहे, ऐसे कितने वर्ड बना सकते हैं 7 लेटर के. डायग्राम इज अ 7 लेटर वर्ड, राइट? सोचो इसके बारे में कुछ. 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 एलिमेंट्स है डायग्राम वर्ड के अंदर, ठीक है? इसमें से आई ए ए ये 3 जो वॉवेल्स हैं उनको साथ में रखना है. अगर कोई कंडीशन नहीं होता तो क्या होता, 7 फैक्टोरियल और फिर ए 2 बार ही रिपीट हो रहा है, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल ये हो जाता विदाउट एनी कंडीशन टोटल पॉसिबल वर्ड्स, ठीक है? लेकिन अभी कंडीशन क्या है, 3 जो वॉवेल्स है उनको साथ में रखना है. तो हम क्या कर सकते हैं, ये तीनों को हम एक यूनिट एक एलिमेंट कंसिडर करके साथ में ले लेते हैं और फिर सबको जगल करेंगे तो टोटल 5 एलिमेंट को हम लोग रीअरेंज कर सकते हैं. तो दैट इज 5 फैक्टोरियल एंड ये 3 जो है उनको इंटरनली तो हम अलग अलग प्लेस दे ही सकते हैं ना, तीनों साथ में ही रहेंगे. आई ए ए करे, ए आई ए करे, ए ए आई बनाए, राइट? सो दैट इज 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल बिकॉज ए इज रिपीटेड ट्वाइस, ठीक है? मैं रिपीट कर रहा हूं, टोटल 7 एलिमेंट उसमें से 3 वॉवेल्स साथ में चाहिए, तो तीनों को एक यूनिट एक एलिमेंट कंसिडर कर लिया तो 5 एलिमेंट्स हो गए उनका 5 फैक्टोरियल अरेंजमेंट का तरीका. एंड ये 3 जो एक एलिमेंट के तौर पे हमने लिए थे वो इंटरनली तो घूम सकते हैं ना, तो दैट इज 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल बिकॉज ए इज रिपीटेड. एवरीबॉडी इज गेटिंग दिस? सो क्या आंसर मिल रहा है इसका, दिस इज 120 into 3, सबको मिल रहा है ये आंसर? ये एक अच्छा क्वेश्चन है, गेट लेवल का क्वेश्चन है. आई नीड एवरीवन्स अंडरस्टैंडिंग एनी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड क्वेश्चन सो दैट ऑल द वॉवेल्स आर नेवर टुगेदर. ऑल द वॉवेल्स आर नेवर टुगेदर, तो क्या करेंगे, इसी तरीके से ऑल द वॉवेल्स टुगेदर उसके किससे फाइंड करेंगे, उसके पॉसिबल वेज और जनरल पॉसिबल वेज कितने हैं विदाउट एनी कंडीशन वो फाइंड करेंगे और टोटल में से इसको माइनस कर देंगे. अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इज टू बी हेल्ड बिटवीन डेलीगेट्स ऑफ 15 कंपनीज इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड इफ डेलीगेट फ्रॉम 2 MNCs मे विश टू सिट टूगेदर. टोटल 15 लोग हैं, उसमें से 2 लोगों को साथ में बैठना है. बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है गाइस. टोटल 15 पीपल आर देयर बट उसमें से 2 लोगों को साथ में बैठना है तो उनको एक यूनिट कंसिडर करेंगे तो n इक्वल्स टू 15 की जगह पे हम लोग लेंगे n इक्वल्स टू 14, ठीक है? तो उनका सर्क्यूलर अरेंजमेंट हो जाता है 14 minus 1 factorial दैट विल बी 13 factorial. लेकिन ये जो 2 लोगों को एक यूनिट कंसिडर किया वो लेफ्ट राइट तो बैठ ही सकते हैं, इंटरनली तो इंटरचेंज कर सकते हैं अपनी चीज अपनी कुर्सियां, राइट? तो क्या मिलेगा, 13 factorial into 2 factorial, दिस विल बी द आंसर. समझ में आया? टोटल 15 एलिमेंट थे बट 2 लोगों को साथ में बैठना है, तो जैसे यहां पे किया वैसे ही जो जिन दोनों को साथ में बैठना है उसको एक एलिमेंट कंसिडर कर दिया, सो वी विल बी डीलिंग विद 14 एलिमेंट्स. तो उनका सर्कुलर परमुटेशन होता है 13 factorial एंड वो 2 जिनको साथ में लिया है वो इंटरचेंज कर सकते हैं अपनी सीट्स, सो दैट इज 13 into 2 factorial 13 factorial into 2 factorial. अब क्वेश्चन नंबर 12, ये ट्रिक क्वेश्चन है, गेट में आई डोंट थिंक ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सिर्फ ट्रिक क्वेश्चन.
In how many ways eight different beads can be arranged to form a necklace? बीड्स का मतलब होता है मोती या मणका, ठीक है। बीड्स जो नेकलेस में ज्वेलरी में लगते हैं, बीड्स, ओके। तो एट डिफरेंट बीड्स, तो आइडियली आंसर सबको लग रहा है 8 - 1 factorial, तो 7 factorial आंसर होना चाहिए, बट दैट इज नॉट करेक्ट। व्हाई? बिकॉज एप्लीकेशन देखो आप, when I am talking about a necklace, when I am talking about a necklace, तो ये दोनों arrangements जो है उसको similar consider किया जाएगा। ये दोनों arrangement को similar consider किया जाएगा, because necklace को मैं ऐसे भी use कर सकता हूं और ऐसे भी कर सकता हूं। समझ में आ रहा है? फ्रंट बैक मिरर इमेज इज नॉट कंसिडर्ड एज अ डिफरेंट केस बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन। एवरीबडी इज गेटिंग दिस? सो द करेक्ट आंसर इज 7 factorial by 2, क्योंकि आधे हो जाएंगे नंबर ऑफ केसेस। ऑल द मिरर इमेजेस विल बी कंसिडर्ड द सेम केस। नेकलेस जो है, बीड्स है उसके अंदर, मोती की माला आप सोच लो, तो इसको ऐसे पहने या ऐसे पहने कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, राइट? सो दैट इज द केस ओवर हियर। ये स्पेशल स्पेशल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने रखा हुआ है। ये गेट के लिए आई डोंट थिंक ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते। एवरीबडी इज गेटिंग दिस? सीटिंग अरेंजमेंट में कभी ऐसा नहीं होता कि ऊपर से बैठा हो या उल्टे बैठा हो, दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट? बट नेकलेस में इट इज पॉसिबल कि ऐसे यूज करेंगे या ऐसे यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, सिर्फ एक्सपांड करना है फॉर्मूला लगा के। जब आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम करना होगा किसी क्वेश्चन में, तब ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गो फॉर क्वेश्चन नंबर 30, फॉर्मूला लगा के एक्सपांड करो, काफी सारे टर्म्स कैंसिल होंगे और एन की वैल्यू मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 30, और इसके अगर फैक्टर बनाए हम लोग 56 × 9, ये फैक्टर सही बनना चाहिए। एन की दो पॉसिबल वैल्यूज हमको मिली, 9/7 और एन इक्वल्स टू 8। एंड एज वी नो एन पी आर एन सी आर जब कर रहे तो एन हैज टू बी एन इंटीजर, सो एन इक्वल्स टू 8 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, देख लो आराम से। एक तो यहां पे जब फैक्टोरियल जो है उसका फॉर्मूला लिखेंगे तब हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, सिली मिस्टेक ना हो जाए, और फिर जब फैक्टराइजेशन कर रहे। एवरीबडी इज रीचिंग टू दिस आंसर?
क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म अ टीम आउट ऑफ फॉर्म अ टीम ऑफ थ्री आउट ऑफ फाइव बॉयज एंड टू गर्ल्स इफ एटलीस्ट वन गर्ल इज टू बी इंक्लूडेड. इसको खुद से ट्राई करो विदाउट माई हेल्प. We need to form a team. कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 14. ओके, वी नीड टू फॉर्म अ टीम. सो दैट मीन्स इट इज अ केस ऑफ सिलेक्शन, जिसमें सीक्वेंस मैटर नहीं करता है, कौन सिलेक्ट हुआ उतना ही मैटर करता है. तो अगर हम बात करें, तीन लोगों की टीम बनानी है, तीन लोगों की टीम हमें बनानी है. सो वॉट आर द पॉसिबल कॉम्बिनेशन? तीनों के तीनों बॉयज हैं वहां से लेकर ऑल थ्री आर गर्ल्स वहां तक. वी हैव फोर पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, राइट. अब इसमें से एटलीस्ट वन गर्ल इज टू बी इंक्लूडेड, तो हम ये नहीं कर सकते. एंड मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स आर टू ओनली, तो ये भी नहीं कर सकते. सो व्हाट वी नीड इज पॉसिबल नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म अ टीम सच दैट टू बॉयज एंड वन गर्ल इज सिलेक्टेड और वन बॉय एंड टू गर्ल्स आर सिलेक्टेड. ठीक है, तो ये क्या होगा? पॉसिबल नंबर ऑफ वेज इक्वल्स टू पांच में से दो बॉयज एंड दो में से एक गर्ल और पांच में से एक बॉय एंड दो में से दोनों गर्ल्स. समझ में आ रहा है? ओनली दीज टू केसेस विल बी पॉसिबल फिजिबल. तो उसमें क्या होगा? सिलेक्टिंग टू बॉयज आउट ऑफ फाइव एंड वन गर्ल आउट ऑफ टू और सिलेक्टिंग वन आउट ऑफ फाइव बॉयज एंड सिलेक्टिंग टू आउट ऑफ टू गर्ल्स. ओके, तो इसका आंसर आएगा 20 + 5. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी गुड क्वेश्चन. इन अ पॉलीगॉन हैविंग एन साइड्स फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स फॉर्म्ड. पॉलीगॉन हैविंग एन साइड्स फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स फॉर्म्ड. तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर कोई पॉलीगॉन है, पेंटागन से समझते हैं थोड़ा सा. अगर कोई पॉलीगॉन है मेरे पास, उसकी साइड्स अगर पांच है, तो नंबर ऑफ वर्टाइसिस, नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हुए? दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 5, राइट. सो अगर एन साइड्स है पॉलीगॉन के, तो वर्टाइसिस भी एन ही होते हैं. ट्राइंगल में तीन साइड, तीन वर्टाइसिस, ठीक है. रेक्टेंगल में फोर साइड्स, फोर वर्टाइसिस. तो नंबर ऑफ साइड्स जितने हैं, उतने ही नंबर ऑफ वर्टाइसिस, नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, राइट. तो अब पांच पॉइंट है मेरे पास, तो ये पांच पॉइंट में से, लिसन केयरफुली, ये पांच पॉइंट में से कोई भी दो पॉइंट को अगर मैं सिलेक्ट करूं, तो उन दोनों को ज्वाइन करके मुझे एक लाइन सेगमेंट मिलेगा. अगर मैंने ये दो पॉइंट को ज्वाइन किया तो ये मिला. अगर इन दोनों को ज्वाइन किया देन आई विल बी गेटिंग दिस. इन दोनों को ज्वाइन किया तो आई विल बी गेटिंग दिस. ओके, ऐसे अगर सबको, किसी को भी ज्वाइन कर लूं मैं, सो आई एम गोइंग टू गेट
वन लाइन सेगमेंट, ठीक है ना, राइट, पांच में से कोई भी दो पॉइंट को सिलेक्ट कर लोगे तो उनको ज्वाइन करने से मुझे एक लाइन सेगमेंट मिलेगा. सो टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स विल बी एन सी टू सिलेक्टिंग टू पॉइंट्स आउट ऑफ एन. ऐसा बोल सकता हूं मैं, एन पॉइंट्स वाला, एन वर्टाइसिस वाला पॉलीगॉन है तो उसमें से कोई भी दो पॉइंट सिलेक्ट करने मुझे टू फॉर्म अ लाइन सेगमेंट. तो टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट विल बी एन सी टू. एवरीबडी इज गेटिंग दिस? टोटल लाइन सेगमेंट्स आर एन सी टू. इसमें से लाइन सेगमेंट में उसके साइड भी आ गए और उसके डायगोनल्स भी आ गए, राइट. लाइंस के लाइन सेगमेंट के अंदर उसकी साइड और उसके डायगोनल दोनों चीजें आ गई. तो माइनस नंबर ऑफ साइड्स इतना मैं कर दूं तो मुझे मिल गया नंबर ऑफ डायगोनल्स. समझ में आ रहा है? सिलेक्टिंग एनी टू पॉइंट आउट ऑफ एन वर्टाइसेस ऑफ द पॉलीगॉन गिव्स मी ऑल द लाइन सेगमेंट्स माइनस नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू रिमेनिंग डायगोनल्स. तो अब सिर्फ इसको प्रॉपर फॉर्म में लाना है एक्सपांड. नीचे n माइनस टू फैक्टर ले रहे तो इसमें से कुछ कैंसिल कर सकते हैं. दिस विल बी दी नाउ 16, 17, 18 वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जिसमें वर्ड प्ले है. एक वर्ड से पूरे क्वेश्चन का आंसर घूम सकता है. ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 16. सिंपल है वैसे. ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 16.
क्या बोला था हमको, टोटल 12 वैकेंसी है, 25 कैंडिडेट्स है, उसमें से 5 कैंडिडेट लोकल है और 2 सीट उनके लिए रिजर्व है, तो क्या हो जाएगा, सिलेक्टिंग 2 आउट ऑफ दोज 5 कैंडिडेट्स, ओके, क्योंकि लोकल जो सीट रिजर्व है उनके लिए 5 लोकल कैंडिडेट्स अवेलेबल है, एंड द रेस्ट ऑफ द सीट्स आर ओपन फॉर द रेस्ट, यहां पे वर्ड इंपॉर्टेंट है, द रेस्ट आर ओपन फॉर द रेस्ट, मतलब लोकल कैंडिडेट्स उसमें नहीं बैठ सकते, सो रिमेनिंग कैंडिडेट्स आर 20 एंड रिमेनिंग सीट्स आर 10, सो दिस विल बी द आंसर, समझ में आ रहा है सबको, 2 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर लोकल कैंडिडेट्स एंड द रेस्ट आर ओपन फॉर द रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, एवरीबॉडी गेटिंग दिस, अगर ऐसा बोला होता कि द रेस्ट ऑफ द सीट्स आर ओपन फॉर ऑल तो अलग चीज हो जाती, तो हम ये करते कि इसमें जो सिलेक्ट नहीं हुए वो कैंडिडेट भी इधर बैठेंगे, तो फिर ऐसा ऐसा केस बनता, द रेस्ट ऑफ द सीट्स आर ओपन फॉर ऑल, तो फिर ये वाला केस बनता, बात समझ में आ रही है, अभी ये नहीं बनेगा, अभी ये बनेगा, द रेस्ट ऑफ द सीट्स आर ओपन फॉर द रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 बुक्स ऑन इंग्लिश, 3 ऑन साइंस एंड 6 ऑन ज्योग्राफी बी अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ सो दैट द बुक्स ऑन ईच सब्जेक्ट आर ऑलवेज टुगेदर, फाइव बुक्स ऑन इंग्लिश, 3 ऑन साइंस एंड 6 ऑन ज्योग्राफी, इंग्लिश की 5 अलग अलग किताबें, साइंस की 3 और ज्योग्राफी की 6 किताबें, ओके, ये सभी के सभी अपने अपने सब्जेक्ट की सभी किताबें साथ में रहनी चाहिए, ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू इज इसको पूरा एक यूनिट बना दिया, 5 बुक्स का एक यूनिट, 3 बुक्स का एक यूनिट, 6 बुक्स का एक यूनिट, तो ये तीनों यूनिट को हम लोग इंटरनली एक्सटर्नली पूरे 3 यूनिट को हम लोग अरेंज कर सकते हैं, दैट इज थ्री फैक्टोरियल, ओके, एंड ये 5 बुक्स को इंटरनली अरेंज कर सकते हैं, पूरा यूनिट साथ में बट अंदर अंदर तो कर सकते हैं, वो डायग्राम वाले में देखा था हमने वैसे ही, राइट, सो 5 फैक्टोरियल पॉसिबिलिटीज अरेंजमेंट्स फॉर दिस बुक्स इंटरनली, 3 फैक्टोरियल इसके इंटरनल और 6 फैक्टोरियल ज्योग्राफी के इंटरनल अरेंजमेंट्स विल बी पॉसिबल, समझ में आ रहा है, पूरे बड़े एक्सटर्नल पूरे 3 सेट सब्जेक्ट वाइज 3 सेट उनका अरेंजमेंट और सभी बुक्स का अपने अपने सेट में इंटरनल अरेंजमेंट, so this will be the answer, everyone good, simple था ये, तो अब next question में ये approach try करेंगे तो answer नहीं मिल रहा है, try to solve question number 18. Socho, what is the difference? Difference kya hai?
यहाँ पे हमको बोला है बुक्स ऑन इंग्लिश एंड बुक्स ऑन फिजिक्स, सॉरी बुक्स ऑफ इंग्लिश एंड बुक्स ऑफ फिजिक्स. प्रीवियस क्वेश्चन में बोला था बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट. ओके, तो इसमें बहुत बड़ा फर्क हो जाता है गाइस. बुक्स ऑन साइंस का मतलब होता है साइंस पे लिखी गई तीन अलग अलग किताबें, लेकिन बुक्स ऑफ इंग्लिश इसका मतलब होता है इंग्लिश की कोई सेम आइडेंटिकल टेक्स्ट बुक जिसकी 10 कॉपी है हमारे पास. समझ में आ रहा है? बुक्स ऑन अ सब्जेक्ट मतलब अलग अलग किताब जो वो सब्जेक्ट पे लिखी गई है. बुक्स ऑफ अ सब्जेक्ट मतलब वो सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक, आइडेंटिकल बुक की हम बात कर रहे हैं. सो 10 बुक्स ऑफ इंग्लिश, तो इनकी अरेंजमेंट में सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा, राइट? तो लॉजिक सेम आएगा सीटिंग अरेंजमेंट जैसा, लेकिन सीटिंग अरेंजमेंट में क्या होता था, पर्सन वर डिफरेंट, सभी पर्सन अलग अलग थे ना, तो सीक्वेंस मैटर करता था. यहां पे सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा. ओके, फिजिक्स के लिए कंडीशन है तो पहले इंग्लिश को अरेंज करेंगे, तो इट विल बी 11C11 विच इज 1. हमने देखा ना 10C10, माय मिस्टेक, 10C10 विच इज 1. 10 किताब, 10 सेम किताबों को रखने का तरीका, चाहे कितनी भी सीक्वेंस बदल लो, इट इज द सेम थिंग. ठीक है, सीक्वेंस डज नॉट मैटर. सो 10C10 एंड अब 11 प्लेसेस में 8 आइडेंटिकल सेम टू सेम किताबें रखनी है, तो यहां पे भी सीक्वेंस डज नॉट मैटर. सो 1 × 11C8, ओनली 11C8, दिस विल बी द करेक्ट आंसर. समझ में आ रहा है? अप्रोच सेम है, सीटिंग अरेंजमेंट में जैसा कर रहे थे वैसा ही, लेकिन बुक्स ऑफ फिजिक्स एंड बुक्स ऑफ इंग्लिश मतलब आइडेंटिकल टेक्स्ट बुक्स, वो सब्जेक्ट की कोई टेक्स्ट बुक है जिसकी बात चल रही है, राइट? तो मतलब सीक्वेंस इज नॉट गोइंग टू मैटर. एवरीबडी इज गेटिंग दिस? एवरीवन? दोनों क्वेश्चन में सिर्फ एक लेटर बुक ऑन एंड बुक ऑफ समथिंग, सिर्फ उतने फर्क से पूरा क्वेश्चन, पूरा आंसर, सब कुछ चेंज हो जाता है. ऑलराइट, ओके गाइस, तो ये हमने देखा बेसिक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस.